अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये सामाना इकराम, आज आपको हम दिखा रहे हैं मुग़ल बादशाह का शाही कब्रिस्तान, जो कि बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी गंदा वाक़ है। ये मज़ार हज़रत सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की है और बाकी ये पूरा अहाता बनाया गया है। ये पूरा अहाता है, यहीं शाही कब्रिस्तान है। यहाँ मुग़ल बादशाह के ख़ानदान व मुग़ल बादशाह के जितने सिपा सलार थे और जितने अफवाज थे, सभी की कब्रें बने हैं, मज़ार शरीफ बने हैं। और यहाँ पे बड़े बड़े हाफिज़, आलिम, मुफस्सिर, मुजद्दिद, बड़े बड़े आलिम दीन की भी मज़ार शरीफ हैं। और ये मुग़ल बादशाह के सिपा सलार इस्लाम खान की भी मज़ार सामने दिख पड़ रही है। इस्लाम खान एक बहुत बड़े फ़कीह भी थे और मुत्तकी परहेजगार थे, जो हुमायूं के बादशाह के सिपा सलार भी रहे। उनके बाद बैराम खां को सिपा सलार बनाया गया था। आप देख रहे कितना खूबसूरत मनाजिर है। ये पूरा कब्रिस्तान बनाया गया है। यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग आते हैं देखने। और आप ये वीडियो देख रहे हैं तो उसको लाइक व सब्सक्राइब करें और घंटी के बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सी कब्रें हैं, ये सब मुग़ल फौज के अफवाज की थी। और इसमें बहुत बड़े ये हाफिज़, आलिम, मुत्तकी, परहेजगारों की भी मज़ार हैं, कब्रें हैं। ये एक अंदर अहाते में बनी हुई कब्रें हैं, जो आज भी सही सलामत दिख पा रही हैं। मार्बल पत्थर से बनाई गई हैं ये सारी कब्रें। इसके अंदर भी बनी हुई हैं कब्रें। माशाल्लाह कितने नक्श निगार और मेहराब बने हुए हैं। इसके अंदर मेन असल मज़ार हैं, जो आप देख रही है एक अलामत के तौर के, लेकिन जो असल मज़ार हैं इसके अंदर बनाई गई हैं। ये एक छत बना दी गई है, जो असल कब्रें हैं, मज़ार हैं, वो सब इसके ज़मीन के अंदर हैं। देख रहे हैं आप, यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं। कितना खूबसूरत मनाजिर आप देख रहे हैं। माशाल्लाह कितना। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।